नमस्कार दर्शक मित्रों, धी लोकसत्ता शो में आपनो स्वागत छे। कोरोना वायरस ना वधता संक्रमण ना कारणे देश में हाल ना समय में भीड़ एकत्र थवानी मनाई छे, तेमज अनेक राज्य में आंशिक अथवा तो संपूर्ण लॉकडाउन पण लादवामां आव्युं छे। तेम छतां लोको द्वारा कोरोना ना नियमों ना धजागरा उड़ता होय तेवा अनेक दृश्यो सामे अवारनवार आवता ज होय छे। तेमां वधु एक किस्सो प्रकाशमां आव्यो छे कर्नाटकथी। रिपोर्ट मुजब कर्नाटकना बेलगावी जिल्लामां घोड़ाना अंतिम संस्कारने जोवा माटे हजारो लोकोनी भीड़ एकत्र थई हती। आ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज वायरल थई रह्यो छे। आगे वधु जानकारी आपीशुं, परंतु ते पहेला जो तमे अमारो वीडियो यूट्यूब पर जोई रह्या तो अमारी चेनल धी लोकसत्ता ने सब्सक्राइब करो। वधु वीडियोना नोटिफिकेशन माटे बेल बटन दबाओ अने जो तमे अमारो वीडियो फेसबुक पर जोई रह्या तो लाइक, फॉलो अने शेर करो। जो कि कोरोना महामारीना समय में ज्यां माणसनी पासे माणस माटे समय नथी त्यां एक घोड़ानी अंतिम यात्रा माटे मोटी संख्या में लोकोनी भीड़ उमटी पड़ी हती। एटलुं ज नहीं, आ घोड़ाना मौत पर लोको रड़ता पण देखाया हता। आ वीडियो वायरल थता स्थानिक प्रशासने तेने सील करी दीधुं हतुं। रिपोर्ट मुजब कोन्नूरनी पासे कदा सिद्धेश्वर आश्रम साथे जोड़ायेला घोड़ानुं मौत थई गयुं। त्यारबाद अंतिम संस्कार जोवा माटे हजारो लोकोनी भीड़ एकत्र थई अने शोक व्यक्त कर्यो। અહેવાલ અનુસાર કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અહીંના ગામના લોકોએ આશ્રમના ઘોડાની પહેલા પૂજા કરી, ત્યારબાદ દુનિયાને કોરોનાથી મુક્તિ અપાવવા માટે ઘોડાને છોડી દેવામાં આવ્યો। તે બે દિવસ સુધી ગામમાં ચરતો રહ્યો, પરંતુ અચાનક તેનું મોત થઈ ગયું અને ત્યારબાદ તેના અગ્નિ સંસ્કારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। અહીં શ્રી પાવેશ્વર સ્વામીએ અનુષ્ઠાન કર્યું અને ત્યારબાદ ઘોડાના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા। रिपोर्ट मुजब लगभग 400 घरोनी वस्ती ने सील करी देवामां आवी हती अने थोड़ाक दिवसों सुधी लोकोनी अवर जवर पर प्रतिबंध रहेशे। साथे ज तमाम रहेवासीओना COVID-19 सारी अने ILI टेस्ट पण करावामां आवशे। बीजी नवी खबरो साथे फरी मळीशुं। धन्यवाद। તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઈક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।